गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो कि आज हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र कल पढ़ चुके हैं, उसका अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, दिशा किधर होता है, स्रोत आवेश क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, उन सब चीजों को बता दिए थे, ठीक है। लेकिन आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत। एक बार ध्यान दीजिएगा, पिछले आप लोग पढ़ाएंगे वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत, तो वहां पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताए थे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे इस सिद्धांत पर, घबराइएगा मत, ठीक है ना। अब इस पर न्यूमेरिकल ही चलेगा, कल का दो क्लास जो देंगे सिर्फ ओनली फॉर न्यूमेरिकल ही देंगे, ठीक है। इसका परिभाषा उसी के जैसा है, किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर विभिन्न प्रकार के आवेशों के द्वारा किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर विभिन्न प्रकार के आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न या समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग को विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। माना कि दिए गए निश्चित बिंदु Q0 पर विभिन्न प्रकार के आवेशों Q1, Q2, Q3, डॉट Q1 के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर डॉट EN वेक्टर हो तो विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत से तो E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट E n वेक्टर, ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत है, ठीक है। आगे बोले कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले उत्पन्न विभिन्न प्रकार के या समान प्रकार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग को
विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लेते कि हमारे पास एक निश्चित बिंदु तैयार ध्यान रखिएगा, यह निश्चित बिंदु जो होता है जांच परीक्षण आवेश होता है। कौन आवेश होगा? याद रखिएगा कि जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है ना, यहां पर क्या है, वह जांच धन परीक्षण आवेश रहता है। वहां क्या होता है? जांच धन परीक्षण आवेश रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा गया है कि विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है परीक्षण आवेश के अनुदिश होता है। अगर परीक्षण आवेश अगर पूर्व दिशा में है तो हमारे विद्युत क्षेत्र पूर्व दिशा में होगा। अगर परीक्षण आवेश दक्षिण दिशा में है तो हमारे विद्युत क्षेत्र दक्षिण दिशा में होगा, है ना। और जिस दिशा में होगा परीक्षण आवेश रहता है उसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जो होता है एक प्रकार का बल ही होता है। विद्युत क्षेत्र का कल परिभाषा बताए थे कि इलाका, अपने इलाका में किसी व्यक्ति को रोकने के लिए जितना उस व्यक्ति पर बल आरोपित किया जाएगा वही उस क्षेत्र का विद्युत, उस क्षेत्र का तीव्रता कहलाएगा जहां पर वो रहेगा। कल अच्छा तरीके से समझाए होंगे, अगर जो लोग आज नए वीडियो देखेंगे वो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नोट एक बार दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है यहां पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग। देखिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। याद रखिएगा, अब ध्यान देने वाला बात है कि कभी भी अगर मान लेते हैं कि कभी भी अगर हम लोग जोड़ेंगे अगर चार को सदिश आएगा तो चारों को हम साथ में नहीं जोड़ पाएंगे, दूदू का जोड़ा बना करके। कि सदिश जो कहता है ना कि दूदू का जोड़ा बनाकर ही हम उसको लास्ट में करेंगे। जैसे आप लोग इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति दो पॉइंट को पढ़े होंगे ना बाबू, तो दो पॉइंट में आप लोग क्या देखे थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दो ही का फॉर्मूला होता है, लेकिन जब अगर तीन को चार को आते हैं तो क्या करते हैं, दो दो कर लास्ट में एक बना देते हैं, ठीक। उसी प्रकार विद्युत अध्यारोपण सिद्धांत किसी का भी लागू होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बल का, तो दूजू को हल करेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान इतना है दोनों तरफ का करने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर जब दोनों तरफ मापांक लेंगे E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस क्या बन जाएगा हम लोग का E2 वेक्टर, मापांक है। जब मापांक लेते हैं तो दोनों का वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल क्या होता है E1 वेक्टर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ये ध्यान देने वाला बात है, जब दो सदिशों को जोड़िएगा तो दो सदिशों को जोड़ने का तरीका हमारे पास यही है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र का आधारोपण सिद्धांत और वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत दोनों एक ही है, बस अंतर है वहां बल को जोड़ेंगे या क्षेत्र को जोड़ेंगे, तीव्रता को। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो दो दो कर हम जोड़ते, अगर दस गो भी होगा तो दो दो का जोड़ा बनाते जोड़ते जोड़ते लास्ट में एक कर देना है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिएगा इसका केस वन आप लोग यहां फिर समझा दे रहे हैं। इफ थीटा इक्वल जीरो डिग्री देन, अगर मान लिया जाए कि हम लोग का थीटा का मान कितना डिग्री है बाबू, जीरो डिग्री अगर आ जाएगा तो हम लोग का ई का जो वैल्यू हो जाएगा ई वन प्लस ई टू हो जाएगा। यहां चेक कर लीजिएगा जीरो बैठा कर, ओके। केस हमारा दूसरा है इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, कितना डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो ई जो हम लोग का आएगा ई वन का ए स्क्वायर प्लस ई टू का ए स्क्वायर ए आ जाएगा, ओके। चलिए क्लियर है। तो केस वन का हो गया केस टू हुआ, ए क्या हुआ हम लोग का केस वन का हो गया केस टू। अब यहां लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, केस थर्ड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बाबू, केस थर्ड। तो इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री देन, तो कितना हो जाएगा E का जब वैल्यू, तो E1 माइनस का बन जाएगा हम लोग का E2, E1 माइनस का बन जाएगा हम लोग का E2। क्लियर है? तो एक कब जब 180 का बात करेगा तब, एक कब जब 90 का बात करेगा तब, और एक कब जब 0 का बात करेगा तब। अब ऐसा नहीं है कि ये याद रखेंगे तभी हम लोग का बन जाएगा बनेगा, ऐसा बात नहीं, भी याद रहेगा तभी बन जाएगा। बस अंतर यही है कि एक एग्जाम में
यही तीनों हम लोग का केस जास्ती देता है, इसीलिए इसको जास्ती बताया जाता है। अगर 60 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जितना इन सब को छोड़कर इसमें पुट करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखा जाए तो केस वन केस टू और क्या है केस थ्री। तो ये है हम लोग का विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत, कंफर्म है, क्लियर है। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल बना लिया जाए कि कैसा इसका न्यूमेरिकल होता है और तब हम लोग आगे बढ़ा जाए। अभी फॉर्मूला पर बताएंगे न्यूमेरिकल को, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके चलिए तो हम न्यूमेरिकल इसका बताने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमारे पास कल दो फॉर्मूला आया था, E इक्वल F बटा क्यू नट और एगो था हम लोग का E इक्वल 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू बाई का होता है आर स्क्वायर, यही था। यही दो फॉर्मूला पर हम लोग विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र फिर से एक बार याद कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसा राशि है, अदिश राशि है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक का होता है कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक का होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। जो कल के वीडियो को नहीं देखे होंगे उसको उस वीडियो को देखेंगे तभी एक क्लियर समझ में आएगा। ओके अब हम इसका न्यूमेरिकल कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल इसका है, ध्यान दिया जाए बोला है क्वेश्चन दे रहे बाबू, देखिए क्वेश्चन हम लोग का पहला है कि बिंदु आवेश प्लस दो कूलम के कारण 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। समझिए बोला गया है कि प्लस दो कूलम, तो ध्यान रखिएगा अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है प्लस दो कूलम का। तब जब प्लस दो कूलम का कोई हमारे पास आवेश है तो कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, तो हम यहां से 10 सेंटीमीटर ले लिए दूरी। यहां पर हम लोग का विद्युत क्षेत्र का कारण ज्ञात करना, तो मान लेते कि हमारे पास अगर ए है, अगर मान लेते कि हमारे पास कोई बिंदु ए है तो हमको विद्युत क्षेत्र है पी पर निकालना है। कहां निकालना है, पी पर, यहां दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहां पर, तो याद रखिए कि जहां हम लोग का विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, जहां हम लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना होगा वहां जो निकाला गया वहां क्यू नॉट छिपा हुआ है। याद रखिएगा कि जिधर विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, जहां पर निकाला जाएगा, समझिएगा कि वहां क्या है, जांच धन परीक्षण आवेश है। और एक बात याद रखिएगा कि 10 सेंटीमीटर ही दूरी पर क्यों, क्योंकि ए प्लस दो कूलम का जो आवेश है ना वो कितना क्षेत्र को कवर कर रहा है, इतना क्षेत्र को कवर कर रहा है इतना, और इसके अंदर आया है, इसके अंदर क्या है, ये शामिल है। तब समझ गए होंगे, तो ये हमारा स्रोत आवेश हो गया और ये हम लोग का जांच परीक्षण आवेश हो गया, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर की दूरी तक अपना क्षेत्र बना रहा है, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जब क्षेत्र बना रहे हैं तो उसमें क्यू नॉट आ रहा है। तो जब क्यू नॉट आ रहा है तो उस पर बल लगाएगा, तो कितना बल लगाएगा उस पर, वही हम लोग को विद्युत क्षेत्र का करना ज्ञात करना है। समझ गए होंगे डायग्राम से, तब देखिएगा, तो समझिए तो क्यू का वैल्यू कितना होगा। याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना है, 2 कूलम।
दूरी कितना दे दिया है, तो दूरी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे ना बाबू, तो कितना 10 बटा कितना आ जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको वैज्ञानिक सिस्टम बदल देना 10^-10, आप कटा भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, तो ई निकालना है, तो अब बताइए बाबू जब विद्युत क्षेत्र निकालना ई है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई वाला, तो इक्वल 1/4πε0Q1R2, और भूल करिए मैं बैठा दीजिएगा 1/4πε0Q1Q2R2, ए नहीं, ए कब यूज करेंगे, जब बल का बात बोलेगा तब, क्षेत्र का बात बोलेगा तो ए फॉर्मूला, क्लियर हुआ। तो ई इक्वल 9×10^9, इसका वैल्यू होता है आप जानते हैं क्यू 2 है और दूरी कितना है 10×10^-2। तो ई इक्वल कितना हो जाएगा 9×18×10^9 और नीचे हो जाएगा 100×10^-4। तो ई इक्वल 18×10^9 हम इसे घट कर 10^-2 के की 100 का स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस का घट जाएगा ना, तो ई इक्वल 18×10^9×10^2, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा 18×10^11, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, समझ गए कैसे इस क्वेश्चन को बताना है और बनाना है, ठीक है, जिसका मान कितना आ जाएगा बाबू 18×10^-, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 9×10^5 कितना हो जाएगा 8×11 7, 18×10^11, क्लियर है, 18×10^5 कितना बन जाएगा बाबू 11, क्लियर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करेंगे बाबू, जब अगला क्वेश्चन का बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, तो एक और बना लीजिए, बिंदु आवेश +5 μC के कारण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का करें ज्ञात करें, ठीक है, तो सोल्व जब करेंगे तो देखिएगा क्यू का वैल्यू कितना है 5 μC, तो चेंज करने आता है 5×10^6 μ में होता है, और कितना आर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 कटा नहीं रहे, 5×10^2 हम लोग को ई निकालना है, ई बराबर क्या निकालना है वाट, क्लियर है ना बाबू, इसको मिटा रहे और यहां लिख रहे हैं बाय फॉर्मूला, डायग्राम ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए, बाय फॉर्मूला इतना लिख लीजिएगा, 9×10^9 और क्यू का वैल्यू 5×10^-6 और आर जो हम लोग का दिया है कितना है, तो आर जो 5×10^-2 पूरा का स्क्वायर, तो ई इक्वल 9×5×10^3 और 25×10^-4, तो कितना है 5×5=25, 9×5×10^7, क्लियर है, ऊपर जाकर यानी कटेगा, तो 1×1=5W, 40×10^7 N/C, हम लोग का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, ओके, तो जब विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ओके। चलिए एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं,
एक मिनट, क्वेश्चन हम लोग का है अगला क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन आप लोग का है अगला, बिंदु आवेश बिंदु आवेश बिंदु आवेश प्लस तीन कूलम, बिंदु आवेश प्लस तीन कूलम, बिंदु आवेश प्लस तीन कूलम, प्लस तीन कूलम के कारण, के कारण तीन सेंटीमीटर के, तीन सेंटीमीटर की दूरी पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, तीन सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ओके चलिए, इसका हम सोल्व कर रहे हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्यू का वैल्यू कितना है, तीन कूलम है, और R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा, 3 बटा कितना होगा 100 मीटर, तो R इक्वल 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ओके अच्छा, अब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E इक्वल क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई का बन जाएगा आर स्क्वायर, तो E इक्वल 9 गुने 10 के पावर 9, और क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 3 है और आर का वैल्यू 3 × 10⁻²⁻ का होल स्क्वायर, ई इक्वल कितना हो जाएगा 27 × 10⁻⁹, और नीचे हो जाएगा 9 × 10⁻²⁹, 9 से 9 3 या 27, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³⁰ न्यूटन प्रति कूलम, 9 से 3 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो हम लोग का कितना हुआ 3 × 10⁻³⁰ न्यूटन प्रति कूलम। ओके चलिए, एक और हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 150 माइक्रो कूलम आवेश युक्त पानी की एक बूंद किसी कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है उस कोष्ठ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें, ठीक है चलिए क्वेश्चन समझिए, 10 मिलीग्राम दरमियान तथा 1.5 माइक्रो कूलम आवेशयुक्त पानी की एक बूंद किसी कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है। तो मान लेते हैं कि ये कोई कोष्ठ है,
और इसमें पानी की बूंद है, क्या है बाबू? ये पानी की क्या है? बूंद है। ओके, जब ये पानी की बूंद है और इसका दरमियान कितना है? 10 मिलीग्राम है। कितना ग्राम है? इसका द्रव्यमान हम लोग का 10 मिलीग्राम है। तब ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझने वाला बात है कि जब कोष में रखा गया है, जब पानी की बूंद को समझिएगा, तो जब किसी वस्तु को जब रखा जाता है कोष में मुक्त रूप से गिरने के लिए, तो वहां पर हम लोग ये दो बल लगेगा। एक बल हमारा नीचे लगेगा, जिस बल को हम लोग गुरुत्वीय बल बोलते हैं। एक बल इधर लगेगा, जिस बल को हम लोग कौन बोलेंगे? गुरुत्वीय बल बोलेंगे। और एक बल ऊपर लगेगा, एक बल हमारा कहाँ रहेगा? ऊपर। एक बल हमारा कहाँ रहेगा? ऊपर। ये जो बल होगा, ये हम लोग का एक बूंद है, वर्षा की बूंद है, पानी की बूंद है, और इसका जो मास दे दिया है और आवेश भी दिया है। इसका मास कितना है? 10 मिलीग्राम है। और इसका चार्ज कितना है? 1.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, 5 0 चाहे 5 बात एक ही है। तो यहाँ पर एक बल जुड़ेगा Q0E लगेगा। आप लोग जानते हैं F=Q0E होता है, जानते हैं ना? F=Q0 का होता है E होता है। और ये दोनों बल आपस में क्या है? तो ये तो पृथ्वी तो नीचे खींचे गया बात है, लेकिन इसका विद्युत क्षेत्र ऊपर की होगा, क्योंकि अरे भाई पृथ्वी ने नीचे बल लगा रहा है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र किधर लगेगी? तो पृथ्वी का तो बल हो गया, तो हमारा बल किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। कण के भार के कारण विपरीत होगा, कि कण का भार नीचे की ओर है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर होगा। तो पहला के हम कंफर्म कर लिए कि इसका विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा? कण के भार के विपरीत हो, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम बात जब फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, तो जब कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका भार नीचे होता है, mg बल होता है, है ना? तो जब एगो भार mg नीचे हो गया, तो ऊपर कौन बल होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस आवेश का, है ना? तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? कण का भार इधर है, तो इसका विद्युत क्षेत्र ऊपर होगा, होगा ना बाबू? तो ही बात बोला गया, तो इसका दिशा तो हम बोल सकते हैं कि कण के भार के विपरीत होगा। क्लियर है? क्योंकि अच्छा, ये बल कहां से आया? तो याद रखिएगा, E बराबर हम लोग पढ़े हैं F/Q0 पढ़े, तो F जब निकालेंगे तो Q0E हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो अरे बोलिएगा, नहीं है तो मत बोलिएगा, ठीक है? क्लियर है ना? तो E बराबर F/Q0, तो F=Q0E हो जाएगा। और एक बल जो पृथ्वी का जो भार होगा नीचे की ओर, वो ठीक है। और आपको बताया गया होगा जब फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे कि दोनों बल संतुलन में है। क्या है? संतुलन, क्योंकि स्थिर है। तो कोई वस्तु स्थिर कब होता है? जब ऊपर का बल और नीचे का बल दोनों के द्वारा लगाया गया बल का मान क्या होगा? समान होगा। बल का मान क्या होगा? बराबर होगा। तभी ना क्या होगा? दोनों बल आपस में बराबर होगा, तभी तो स्थिर होगा। इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? तब अब लिख सकते हैं Q0E कोई दिक्कत नहीं है। Q0E का मतलब चार्ज है, बस हम जब न्यूमेरिकल बनाते थे Q0 नहीं, उसको Q लेकर चलते थे। Q=E क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्लियर है? Q0 कितना बन जाएगा? mg हो जाएगा। mg हो जाएगा ना, तो हमको E निकालना था, E=इक्वल क्या हो जाएगा? mg/Q हो जाएगा। mg/ कितना हो जाएगा? क्यू। लेकिन गिवन वैल्यू मास दरमियान दिया था 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम इसको चेंज करेंगे 10×10^-3 ग्राम, तो ये हो जाएगा m=10^-2 ग्राम। लेकिन हमको केजी में ना चाहिए, तो याद रखिएगा ग्राम को केजी में बदलना है, 10^-2/1000 से भागा कर देंगे, केजी हो जाएगा। कि ऊपर जाकर कितना? m=10^-5 kg। वस्तु का काम का द्रव्यमान हो गया, ये वस्तु का हम लोग का काम हो गया द्रव्यमान। क्लियर है? अच्छा, यहाँ जी आया है, तो ध्यान देना है बाबू, जी का मान होता है 9.8, चाहे इसको लगभग मान सकते हैं 10 m/s². और क्यू हम लोग का दे दिया है कितना है, तो क्यू का वैल्यू 1.5 माइक्रो कूलम, तो Q=1.5×10^-6 कूलम। एक गिवन वैल्यू है, कौन वैल्यू है? ये हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है? देखिए m 10 मिलीग्राम था, तो 10 मिलीग्राम को मिली में चेंज किए, मिली को ग्राम में, तो 1 मिली में 10^-3 होता है, आप समझ रहे होंगे।
हल्के इतना हुआ। आप ग्राम को केजी में क्यों बदले हैं? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में सबका वैल्यू एसआई में होना चाहिए, आरएस भी एसआई में है, इसीलिए उसको भी ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी का मान इतना होता है, यहाँ बैठाएंगे ठीक है। तो आप देखिए आप पुट करिएगा तो कितना होगा, एम का वैल्यू कितना होगा, 10^-5, क्लियर है, 10^-5। और जी का मान कितना है, जी का मान जो हम लोग का हो जाएगा कितना होगा, जी का मान कितना हो जाएगा 10। और यहाँ जो हो जाएगा क्यू का मान कितना है, 1.5×10^-6। जब टोटल हल किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा, तो 10^-4 ऊपर हो जाएगा गुने 10^6 हो जाएगा, और नीचे 1 कितना होगा 5, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, यानी 1.5 गुने कितना हो जाएगा, 10^ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 10^ कितना होगा 2, जब 10 हटाया जाए तो ऊपर 10/ कितना बन जाएगा, 15×10^2 कितना, ई इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, 2/5 अगुने 10 का स्क्वायर, 5×10 15 हो जाएगा ठीक है। अगर भागा दिया जाए तो ई इक्वल कितना होगा, 0.66×10^2 न्यूटन प्रति कूलम। ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र हुआ, क्या हुआ हम लोग का, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हुआ, इतना हो गया ओके। तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू हम लोग का इतना हुआ ठीक है। इसको पूरा हल कर दिया है, कितना ई का वैल्यू जब हल करेंगे तो 66 न्यूटन न्यूटन प्रति कूलम अप्रोक्स होगा। तो कितना होगा 66, क्योंकि 10^2 का मतलब 100 बन जाएगा, और 100 से गुना करेंगे तो हम लोग इतना आ जाएगा ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा कितना हो जाएगा हम लोग का 66 न्यूटन/कूलम, कितना हो जाएगा हम लोग का 66 न्यूटन/कूलम ओके। समझिए 66 न्यूटन/कूलम कन्फर्म है, कैसे हल किया जा रहा है याद रखिएगा। हम जी का मान 10 पुट किए हैं, लेकिन वो जो किताब जो पुट किया है कितना है 9 कितना है पुट किया है 8 किया है ठीक है। तो उसका जो आंसर है 65.3 हम लोग का 60, क्योंकि जब 10 बैठे तो थोड़ा सामान बढ़ाएगा ना बाबू, इसलिए ओके ध्यान रखिएगा। इस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया, फिर से देख लीजिएगा। 10 मिलीग्राम दरमियान तथा 1.5 माइक्रो आवेश कूलम आवेश पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद है जो किसी कोष्ठ में स्थिर है, मुक्त रूप से गिरा लेकिन स्थिर है। तो जब मुक्त रूप से स्थिर है तो ये आम बात है कि वो उस कण का, पानी के कण का भार नीचे की ओर होगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा ओके। अब हल किए हम याद है कि दोनों बल आपस में कहा बराबर होगा, क्योंकि ऊपर है कि नीचे है, और पानी स्थिर है, तो कोई वस्तु स्थिर तब होता है जब दोनों के द्वारा लगाया गया बल का मान क्या हो, समान हो ओके। हल करिए इतना आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या था, 4 था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है। एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में, एक समान विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में M द्रव्यमान का एक आवेशित, कण जिस पर प्लस क्यू आवेश, एक आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, क्यू आवेश यू चाल से फेंका जाता है किधर है, फेंका जाता है खड़ी पर,
विराम में आने के पूर्व यह कण कितनी दूरी तय करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभ्यर्थी में क्वेश्चन दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास और 12th क्लास दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक समान विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में, मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान का मतलब होता है कि सबका लंबाई चौड़ाई से लंबाई जो होगा इक्वल होगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो हमारा एम दरम्यान का इधर होगा। तो यही बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में एम दरम्यान का एक आवेशित कण, एम दरम्यान का एक क्या है आवेशित कण, कौन कौन है आवेशित कण। तो मान लेते हैं कि एम दरम्यान का कोई कण है लेकिन उस पर आवेश कितना है क्यू है, प्लस क्यू है। समझिएगा एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्वेश्चन को समझना है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जो विद्युत क्षेत्र जो होगा जो जाएगा वो समान अंतराल में जाएगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसके विपरीत में एम दरम्यान का एक कण है जिस पर आवेश प्लस क्यू है, यू चाल से फेंका जाता है इसको यहां से इधर फेंक दिया गया, फेंका जाता है विपरीत दिशा में, फेंका जाता है विराम में आने के पूर्व, विराम में फेंका जाता है, यू वेग से फेंका जा रहा है लेकिन विराम में आने के पूर्व। अगर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो फेंकने के बाद कहीं तो वस्तु जाकर रुकेगा ना, तो रुकने से पहले उसका दूरी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ध्यान देना है बाबू कि बात रहा दूरी का तो हम लोग का भी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, समझे क्यों, कि जहां विपरीत का बात कर देता है क्योंकि ये जो वस्तु है विराम में आने के मतलब अपने ओरिजिनल दूरी पर नहीं गया है, अपने ओरिजिनल चार को प्राप्त नहीं किया, तो भी इक्वल जीरो। हम लोग पढ़े कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, भी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस टू ए इंटू एस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का यू स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, इसलिए ए इक्वल कितना हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई एस, इक्वल कितना हो जाएगा तो एस इक्वल जो बात करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर बाई का होगा टू ए, ठीक है। तो हम लोग किसका वैल्यू निकला बाबू एस का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू निकला एस का, क्लियर है। तो किसका वैल्यू निकल गया एस का, ओके। क्लियर है। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ए निकालना होगा तो यहां से इक्वेशन वन हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि ए बल भी लगाएगा तो ई बराबर ए बटा का होता है क्यू, इसलिए होता है कि नहीं, क्लियर है। तो हम लोग का जो ए वैल्यू हो जाएगा ए जो निकाला जाएगा, तो ए जो निकालेंगे ध्यान रखना है, तो यहां अगर बात किया जाए बाबू तो ए बराबर एम ए को लेकर ए बराबर एम ए हो जाएगा, ए निकालना होगा तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा इक्वल एम बाई ए, इसलिए ए इक्वल क्यू बाई का हो जाएगा एम, क्यू बाई क्यू ई बाई एम नहीं एक मिनट क्यू बाई एम, क्लियर है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू बाई एम। तब समीकरण वन से एस इक्वल माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, एस इक्वल माइनस यू स्क्वायर और टू इनका वैल्यू कितना है क्यू ई बाई का हो जाएगा एम,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई एम और यहाँ क्या बन जाए टू क्यू ई, यही हम लोग का आंसर बनेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए किए क्योंकि इतना बल क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का भी जब पर्दा होगा तो विद्युत क्षेत्र हमारा कितना बल लगेगा उसके बल के मान को बैठाना होगा ना बाबू, इसलिए हम लोग जो दूरी होगा s बराबर माइनस यू स्क्वायर बाई एम बटा में टू क्यू ई। लेकिन एक बार ध्यान देना दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए समझ गया एक बार फिर से, एक समान विद्युत क्षेत्र ए, एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा ए है, इसके विपरीत दिशा में m दरम्यान का एक वस्तु है, तो m दरम्यान का एक वस्तु है जिसमें प्लस q आवेश है, तो बोला गया कि u चाल से फेंका जाया गया है, उसका प्रारंभिक चाल का है u है, u चाल से फेंका जा रहा है, जब उसको u चाल से फेंका जा रहा है तो विरामा में आने से पहले वो कितना दूरी तय करेगा। तो हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे वी इक्वल जीरो विरामा आने से पहले जब बात करेगा रुकना रुकने का ब्रेक का बात करता है तो वहाँ वी का वैल्यू जीरो होता है, ये फॉर्मूला होगा हल की एस निकल गया। लेकिन हम लोग का ए का वैल्यू निकालना होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर एम होता है।